सुन रहे हो FM 99.4 दी एक खास नशियात रेडियो वेलकम बैक असर तक दोबारा वेलकम करें अपने शो मौज मेला वे तुसा सुनदे बेवे FM 99.4 तुहारे मेजबान महद्रमान तारिक ते ज़ुलकरनैन हैदर दा मोहब्बतां भरा सलाम सारे जितने भी लिसनर्स हैं सारियों को सारे भिरावां को सारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्हों को एक मोहब्बतां भरा सलाम असा आज वल अपने शो मौज मेला बेच जड़ा है तो जिक्र करे सूँ आज क्योंकि आलमी दिन है आलमी डी है FM दा रेडियो दा आलमी डी मनाया वेंदे 13 फरवरी को तो उनके हवाले नाल अज असा गुफ्तगू करे सूँ पूरे जितनी भी सारे नशरियात है उनके नाल जड़ा है तो अगू असा गिन के चल सूँ सिर्फ ही नाल कि अज जड़ा है अज दे बारे च गल थी कि 13 फरवरी को रेडियो पाकिस्तान दी अफादियत अज साडे FM च जो सा टॉपिक चलता टूरिज्म का जी उस टॉपिक तो हट के अज सा चल रहा वा स्पैशल ट्रांसमिशन जी वर्ल्ड FM रेडियो डे है तो ज़ुलकरनैन भाई मैं चाहवागा कि यदा आगाज एक शेर न हो जाए बिल्कुल माध भाई शेर अस अपने लिसनर्स को सुने जी शेर का जो मैं अज इंतखाब किए शायर जो सराइकी धरती के बड़े बड़े शायर हैं ज़ुहैर अहमद मुहावरी साहब जिन्होंने अपना कलम के जरिए अपना नाम पैदा किए तो सराइकी धरती से क्या ही खूबसूरत अंदाज ना लो जो है अपने सराइकी जबान शायरी करे ने दुनियावी शायरी करे ने तो बड़े ही एक मुहद्दबाना अदबाना अंदाज महत्व उन्हों का तरीकाकार जोड़ा है माशरे को समझावन दे जी वो शेर उन्हों का आर्ज है जी केंदी गुरबत का परदा रखींदा तो है यार आमण तो पहले दसींदा तो है तेरे दरबार विच एक गुनाहगार दा जेड़े रंग सही जिक्र थींदा तो है यार यारी न सही शहरदारी तो है यार यारी न सही शहरदारी तो है चार लोगों दे विच हथ मिलींदा तो है अच्छा तू मर वंजे यानी मैं मर वंजा अच्छा तू मर वंजे यानी मैं मर वंजा यार बोलण तो पहले सुचींदा तो है वत ज़ुहैर आया होवे जरूरी तो नहीं दर तू आया तू ना शाह पुछींदा तो है जी महत भाई जी ज़ुलकरनैन भाई अज साडा वर्ल्ड FM डे है तो अज ओदे हिसाब नाल असी ट्रांसमिशन लैके आए हैं कि अज साडा स्पैशल प्रोग्राम जा रहा वा मौज मेला ते जिन्हों असी आगाज करांगे कि पहले सब तो पहले आएगी FM दी तारीख तारीख देखो ज़ुलकरनैन भाई कि इहदी तारीख स्टार्ट हुंदी है 80s ज़ुलकरनैन भाई इहदी तारीख स्टार्ट होएगी पाकिस्तान च ते FM होया सी 1947 च लेकिन कह लो कि USA च इहदा आगाज पहले ही हो चुकिया सी जी बिल्कुल इहदा जिहड़ा है इहदा जिहड़ा आगाज थे इहदा डे मनावण दा रेडियो वर्ल्ड रेडियो डे मनावण दा 13 फरवरी तो इहदा इह कि महत भाई इहदा अकवामी मुत्ती दा एक अदारा है यूनेस्को उहदे विच जिहड़ा स्पेन जिहड़ा एक शह मतलब मुल्क है जिहड़ा स्पेन उन्होंने दरख्वास्त पेश की है कि इहदा एक आलमी डे मनाया वञे क्योंकि इहदी बहुत ज़्यादा अफादियत है एक ऐसा ज़रा है जिहड़ा लोगों को ढेर सारी नशरियात के जरिए लोगों तक फायदा पहुँचाते उन्होंने जी तो रूझा जोड़ा है इंदे उन्होंने दरखास्त पेश की 2010 2011 में जो रद्द अमल थी आई मन के जी ज़ुलकरनैन भाई असी गल कर रहे थे कि ना आलमी बरादरी ना FM वर्ल्ड रेडियो डे नाल ना असी कनैक्ट करवाया उन्होंने दसना वा कि अज 13 फरवरी स्पैशल मौका वा जिहड़ा वर्ल्ड रेडियो डे दे मुनासबत नाल मनाया जा रहा वा FM ते लोग मैं कहना कि तफरीही लिहाज नाल ना लोग सब तो ज़्यादा सुनने वाला एक जरिया ब्लॉग मास कम्युनिकेशन का सब तो अहम जरिया तो सब तो चीपेस्ट सोर्स यही है जी आज अस जो माध भाई फेसबुक से भी अस लाइव है तो अपने फेसबुक व्यूअर्स को अस दरख्वास्त करे सूँ कि सारा शो जो है इन मैसेजेस के जरिए सारे व्यूज जितने हैं मैसेज के जरिए सागू सारे गुफ्तगू में शरीक थी सकते हैं तो अज का जो सारा सवाल है वो ये कि तुसा एफ जो रेडियो है वह कहीं तो सुनते पवे तो जो क्या इनका फायदा नज़र आते ये सारा सवाल इन अस कॉल भी इंशाला अटेंड करे सूँ लेकिन वो जो आखिरी अद्धे घंटे 11:30 बाद अस कॉल भी पिक करे सूँ तुम सब कॉल कर सकते
ਸਕਦੇ ਵੇ 0619220037 ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਪਿੱਕ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸੋ ਸੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਵਿਦ ਮਾਹਦ ਰਹਿਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰ ਨੈਨ ਹੈਦਰ रेडियो दे जगत त्यार दे मौके ते तुसी सुन रहे हो FM 99.4 दी एक खास नशरियात जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक कर दें थानू अपने प्रोग्राम च तुसी सुन रहे हो मौज मेला दी स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड रेडियो डे दे हिसाब नाल विदार जे मात्रे मान तारिक ते ज़ुलकर नैन हैदर जी ज़ुलकर नैन भाई असी गल कर रहे सी के वर्ल्ड रेडियो डे की जी मुनासबत के हवाले नाल अज साडी ट्रांसमिशन जा रही है लाइव ते तुसी सानू सुन सकते हो साढ़े फेसबुक पेज ते ते नाले तुसी मैसेज कर सकते हो अपने तासुरात दस सकते हो थानू प्रोग्राम किदां दा लग रहा वा ते नाले सानू कॉल कर सकते हो आखिरी अद्धे घंटे च नंबर है नंबर समाप्त फरमाओगे 0619220037 जी ज़ुलकर नैन भाई जी माद भाई इंदा जेड़ा असा इन्ना को अपने लिसनर्स को दसी मनु के जेड़ा इंदा आगाज़ थी अगे वर्ल्ड डे वर्ल्ड रेडियो डे मनावण दा ओ जेड़ा है स्पेन ने असा दसी है कि स्पेन ने 2010 वे दरखास्त पेश की थी कौम मुत्तहिदा दे अदारे को यूनेस्को को ते उंदे विच जेड़ा है वल 3 नवंबर 2011 विच मन के फैसले थे कि जी ए वर्ल्ड जेड़ा है वर्ल्ड डे रेडियो वर्ल्ड डे जेड़ा है ओ मनावना चाहिए जी महाद भाई उत बाद जेड़ा है वल 2013 फरवरी 2012 को ए पहला जेड़ा है फर्स्ट डे मनाया गया इंदी अगर जे पहली जड़ी है इंदा फायदा इंदा जेड़ा मनावण दा मकसद है मकसद यह है कि रेडियो नाल लोगों को शनास करावना उनकी अफादियत दसना कि अज जितने भी है कि रेडियो इं टाइम भी दे सारे नशरियात दे ज़राए होने दे बावजूद अपनी अहमियत जेड़ा है वो बरकरार रखी वेंदे उनकी वजह यह है कि यह एक ऐसा जरिया है जेड़ा कि उनकी लहरें जेड़ियां नु लो फ्रिक्वेंसी ते मात भी कम करेंगी ते यह कि एक सस्ता तरीन जरिया है ज़राए दा जिंदे नाल असां लोग जेड़े हैं असां मतलब लोगों नाल गुफ्तगू करने उन्हां नाल हो सकती है ते तफरीही दा ए बेहतरीन जरिया वा ज़ुलकर नैन सब तो पहले ना 1906 च आर ए फेंटसन ने सब तो पहले अपना निजी जिन्हों कह लो प्राइवेट FM रेडियो जारी किया सी जिन्हों लोगों ने बड़ा पसंद किया सी तो बाद USA दा BBC जी माद भाई इतने सारे नाल ज्वाइन किए फेसबुक ते सारे भीरावान ने अंसर जानी साहब इन वेलकम टू दी शो भाई जी बहुत शुक्रिया जी खुश रहो सलामत रहो हमेशा शादोबाद रहो नाल ही नाल सकूँ जेड़े इन सारा जेड़ा शो है कुछ शेयर करो ताकि जेड़े ढेर सारे फीडबैक भी रहो कि तो शो कैसा लगता पे नाल नाल गुफ्तगु की रखसूँ असा सारे सवाल भी अज का तक दोबारा समाज फरमा गए कि सवाल सारा ये है कि तुम कदन तू रेडियो जोड़ा है सुनते पे समाज करें पे तो एक कितना एक लाइक करें पे कितना एक इन तू फायदा चेंद पे जी अंसर जानी साहब हैं वो भी महत्व यादव भैन जानी लिसनर क्लब से अंसर अब्बास फ्रॉम बॉक्स वालेकुम सलाम भाई जी वालेकुम सलाम तो सदा सलामत रहो खुश रहो जवेद मलिक साहब हैं वो भी यादव भैन के आप ये वेब पे भी हैं जी बहुत शुक्रिया जी जवेद मलिक साहब तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया जी गाल थी पे मात भाई सब तो पहले निजी टीवी निजी रेडियो शुरू किया RF फेडनसन ने जी बिल्कुल उन्होंने ना सब तो पहले म्यूजिक ते तकरीर तो आगाज किया तो लोगों ने बड़ा मैं कहना प्रेफर किया फिर उस तो बाद 1922 च BBC इस मैदान च आया तो उन्हें तो मैं कहना कि सारी दुनिया च रेडियो मुतारिफ करवाता कि ये भी तफरी का एक जरिया हो सकता वा तो अज पूरी दुनिया च तकरीबन 7.4 मिलियन लोग ए तो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं ए तो कह सकते हैं कि तफरी हासिल कर दें तफरी हासिल कर दें उन्होंने को पसंद आते ये बहुत ज़्यादा लोग हूँ भी इस्तेमाल करें नवी दौर में भी ढेर सारे जराए ऐसे आ गए माद भाई हूँ तुम्हें इनकी अहमियत इतों अंदाजा लाया बन सकते कि 2021 जोड़ा है माद भाई जेड़ा है बर्मा क्यूबा ते इथोपिया दे टैगरे इलाके च ना हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिता है तो उन वेले जेड़े हैं अमेरिकी एजेंसी है ब्रै ग्लोबल मीडिया USA AGM जी उन्होंने ना महादेव USA AGM ने एजेंसी ने
उन्होंने ये कोशिश की थी कि असा लोगों तक जी नशरियात पहुँचाऊँ वो कोई ऐसा सिस्टम कोई ऐसा निज़ाम पेश आए कि जिनकी वजह तो नैट हुकूमत ने बंद कर दिता तो बल उन्होंने क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के जरिए रेडियो के जरिए क्यों ना असा जोड़ा है लोगों तक खबर पहुँचा सकूँ तो यह भी जोड़ा है इनकी एक अहमियत आ बहुत ज़्यादा है कि लोडे सारे एरिया को ये कवर करें दे अच्छा इनकी मेन जी है बहुत ज़्यादा खसूसियत इन लेकिन कि इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एक ऐसा तरीकाकार है कि ये मकामी जबान को प्रमोट करें दे कि उतों के लोग मानते जी हम मुल्तान के सराइकी जो पंजाबी बहुत ज़्यादा बोली वी मुल्तान तो उन हिसाब न जो है रेडियो से ज़्यादा ही जबान को प्रमोट किया वे हर यूट्यूब कह लो कि एफ एम से हाँ जी साडा यूट्यूब पर भी क्योंकि लिंक है तो यूट्यूब पेज पर भी तुम सू जाकर सुन सकते वे नाले नाल असी दसते जाएंगे सानू कमेंट्स आ रहे हैं जावेद मलिक दे अमर जानी दे ते गुलजार साहब दे जी बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम असलाम थोड़े फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया तुम सपोर्ट कर रहे जी जी जुल्कन है अज एफ एम रेडियो डे दे हिसाब से देखो कि काफ़ी जराए ब्लॉक आ गए हैं फिर भी पचहत्तर फीसद घर सुने जाता वा एफ एम क्योंकि सब देखो कि हर हर इलाके च ना ना केबल है ना इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है एफ एम सब तो ज़्यादा यूज़ करने वाला एक जरिया है क्योंकि हर जगह पे एदी फ्रीक्वेंसी पहुंच वाले मात भी इंदा है कि ए फोन है चे फोन तो हर बंदे की जरूरत है ना कि हुन लोग टीवी को चाह के नहीं हर जगह ते बन सकते एक मतलब मजाए गल है पर टीवी को नहीं चाह के बन सकते कि उत खबर सुननी जी एफ एम एक ऐसा जरिया है जो तो इन हर किस्म की नशरियात तो न्यूज़ भी देंगे तो सियाहत का भी दसेंगे तो इलाके की जड़ा है खबर हर खबर ना गा करेंगे नाल ही नाल इंजॉयमेंट किते सॉन्ग्स भी जड़ा है नाल ही नाल असं भी तो सॉन्ग सुने ही रखसों तुम सारे जुड़े रहो एफ एम 99.4 पंजाब रंग तुम सुनते पे वे महाद रहमान तारिक ते जुकर नैन हैदर को शो मौज मेला के जरिए सारे जुड़े रहो एफ एम 99.4 इतने थी गई सॉन्ग ब्रेक द टाइम तुम सॉन्ग सुनो सॉन्ग को इंजॉय करो तो बाद वापस तक वेलकम बैक करेसूँ सारे नाल जुड़े रहो तहजीबो सकाफत की पहचान कदीम तहजीबो सकाफत की उमंग तुसा सुनदे पे हो एफ एम 99.4 पंजाब रंग रंग जंगी अस्सलाम वालेकुम जी दोबारा तक वेलकम करें अपने शो मौज मेला तुम सुनते पे वे एफ एम 99.4 सागू तुम फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते वे सारे क्योंकि फेसबुक पर भी ऐसा लाइव है जेडे सागू लोग ने ज्वाइन किए तो नाल जेड़े है सागू कॉमेंट्स है उन्होंने फीडबैक भी दिए जी परी एंजल हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल हैं खैरियत हो परी एंजल साहब बिल्कुल अच्छा जी सब खैरियत है जी हूँ असा माध भाई गाल कर पैसे अपने जोड़े है अज के वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में कि क्योंकि 13 फरवरी को मनाया वेंदे सारे जितने भी लिसनर्स हैं जोड़े हैं उन्होंने सिरस भी क्योंकि वर्ल्ड डे जोड़ा है रेडियो वर्ल्ड डे अज 13 फरवरी को तकरीबन पूरी दुनिया में मनाया वेंदे क्योंकि तक दस दिते कि इन अफादियत जी है रेडियो की बहुत ज़्यादा है उनके जराए जोड़े हैं अहम जरिया बन चुका हाँ जी एक रिपोर्ट शायद हुई जिद दसिया गया वा कि 28% हर साल 28% रेडियो स्टेशन खुलने की तादाद बढ़ रही है तो 28% ही लोगों का रुझान बढ़ रहा वा रेडियो समात करन दा जी देखो कि तुम देखो कि समात का रुझान कितना ज़्यादा है कि हूँ मैसेज है मोहम्मद मेहरान जाफरानी साहब का सारी फेसबुक पेज थे जी आज मैं रेडियो डे मुबारकबाद जी बहुत खैर मुबारकबाद तो भी मुबारकबाद तुस क्योंकि जोड़ा है जुड़े रहते वे तो जुड़े रहो सारे अस जोड़ा है गुफ्तगु अपनी जारी रखे सू जी यूनेस्को के मुताबिक ना 2006 से 2013 के दरम्यान तहकीक जाहिर हुई सी कि 28% लोगों का रुझान तेजी बढ़ रहा वा रेडियो की तरफ तो मिस्टर बान कीमून जी अकवाम मुत्तहिदा दे सैकटरी सी 2016 च उन्होंने अपने ट्वीट च वर्ल्ड रेडियो डे च उन्होंने अपना एक ट्वीट किया जिसे उन्होंने दसिया सी कि ना साढ़े जमाने च किसी भी बुहरान किसी भी एमरजेंसी किसी भी नागहानी सूरत हाल च एक लाइफ लाइन होंगी सी जी मैं भाई लाइफ लाइन सिर्फ लाइफ लाइन कह लो कि कोई आम चीज़ नहीं कि लाइफ लाइन बहुत बड़ा लफज है क्योंकि लाइफ लाइन देख लो कि
ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਸੀ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵਕਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਭਾਈ 1940-1920 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ 1906 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBC ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਥਰੂ ਏਅਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲੇਕਿਨ 1960-1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FM ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਵ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਹਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ FM ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਾਤਪੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 1948 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੋਂ ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1947 ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਲ 1949 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆਵੇ 1948 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਬਲਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ FM ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ FM ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤਫਰੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕੋ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਹੂੰ ਇਲਾਵਾ ਬੈਨ ਅਲਾਕਵਾਮੀ ਹੂੰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਂਗ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਸੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂਗ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ FM 99.4 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਵੇ ਮੋਜ ਮੇਲਾ ਵਿਦ ਮਹਾਦਰਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਗਤ ਤਿਆਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM 99.4 ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਆਰਜ ਮਹਾਤਰਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ ਜੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 13 February ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਾਤ ਭਾਈ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕੋ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਡੀ ਮਨਾਇਆ ਵੇਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਮਨਾਇਆ ਵਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਮੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਡੀ ਮਨਾਇਆ ਬਣੇ
तो ये जेड़ा है अकवा मुतहदा इदारे नेक्स्ट यूनेस्को बिच जेड़ा है बन के ये आला जेड़ा है अरब इंदा रद्द अमल पेश थी है 3 जून 2011 बन के उन्होंने एक मीटिंग एक इजलास थी है जिंद बिच ये बन के इंदा फैसला थी है कि जी ये मनाना चाहिए वल 13 फरवरी 2012 बिच पहला दिन मनाया गया जी तुसा क्योंकि अपने अस आज फेसबुक ते भी लाइव है तो तुसा सब सुन सकदे हो फेसबुक ते सारी शो मौज मेला FM 99.4 सर्च करके सारे लिसनर्स हैं जो फीडबैक देंदे पे सब फेसबुक ते भी नाल नाल सारे जो यूट्यूब चैनल ते भी मान के तुसा FM 99.4 लेके उत्थे भी सब ज्वाइन कर सकदे हो अज दा सवाल तुसा दोबारा समाप्त करो कि अज दा सवाल जेड़ा है अस इंशाल्लाह कल दा सिलसिला शुरू करे सो आखिरी अद्धे घंटे बिच 11:30 बजे तो बाद सवाल ये है कि तुसा सारे नाल ए दस्सो सो सकूं कि तुसा रेडियो कदे केड़े दिन तो सुनदे पे वे कदन तो सुनदे पे वे ते नाल ही नाल रेडियो तक केड़ी हद तक जेड़े अच्छा लगदे ते क्या इंदी अहमियत तक लगदी है तुसा सब कॉल कर सकदे पे महद भाई 0619220337 ते अस रिपीट कीती रखसो इंशाल्लाह जी हुन अस अपनी गुफ्तगु विच शामिल जी सर कने पे तुसी हुने गल कीती सी कि ए सिर्फ तफरी नहीं प्रोवाइड करदा ए देखो कि हर इलाके दी मां बोली च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਵੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਸ਼ਤੋ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਟਾ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲਮੋਜ਼ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਮ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਜੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਾਰਿਸ ਪਿਛਲਾ ਜਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟਸ ਫਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਲ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ PSL ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਮਾਤ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਗਈ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਚਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕੋਲ ਸਭ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਗਤ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM 99.4 ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬੋ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਉਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰੰਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हम लाहौर से बोल रहे हैं
13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे सुबह आजादी आजादी आजादी। अस्सलाम वालेकुम जी, असं तक दोबारा वेलकम करें अपने शो मौज मेला बिच। महत भाई जी हूँ ट्रांसमिशन जी असं हमने चलाई है जेड़ा है वो उनके बारे में थोड़ा इन्ना को जेड़ा है सारे लिसनर्स को तुसर दसो जी। सुल्तान भाई ए पाकिस्तान दा रेडियो नाल ना बहुत गहरा ताल्लुक है, एक तारीखी मैं कहना एक पूरा पसे मंजर छुपया होया वा इहदे विच, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख जेड़ी है सब तो पहले रेडियो से नशर हुई। बिल्कुल पाकिस्तान दी आज़ादी ये देखो तुसी हुने असाडा जेड़ा छोटे जे क्लिप से जी ओदे च जेड़े मुकर्रर सी उन्होंने दसिया कि पाकिस्तान सुबह तलूए आज़ादी मुबारक, यानी कि ना पाकिस्तान दी आज़ादी दा सब तो पहले ऐलान रेडियो से होया सी। ब्रॉडकास्ट जेड़ी सब तो पहले है कि देखो कि इंडिया च भी बांग्लादेश, क्योंकि वह बांग्लादेश ते उसले पाकिस्तान का हिस्सा थी। बिल्कुल ते लाहौर च सब तो पहले ब्रॉडकास्ट हुई सी 13 अगस्त 1947 च सब तो पहले ब्रॉडकास्ट की सी मुकर्रर साहब ने। तो उन्होंने कह लो कि उन्होंने पूरा खानदान मैं रीसेंटली उन्होंने वीडियो देख रहा थी, वह दस देने कि साडा आलमोस्ट पूरा बैकग्राउंड एफ एम नाल मुंसलिक है। बिल्कुल ही मेमाद भाई एफ एम नल केड़ा केड़ा बंदा कह नहीं जड़ा मुंसलिक ना हो इंदी, क्योंकि अहमियत ही इतनी है इंदे जड़े हैं फायदे इतने ज़्यादा हैं कि लोग जड़े इन साइड पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं रेडियो वाली साइड पर। इन दौर बच्च भी हालांकि इन दौरे च बहुत सारे ऐसे जराए आ गए, लेकिन इनकी अहमियत कहीं भी दौरे कमी नहीं थी सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता तरीन है, हर दौरे च अफोर्डेबल है। ठीक है, हुण स्कूल विच भी मतलब जिहड़ा है हुण फोन विच भी जिहड़ा है इंदा ऑप्शन है बहुत ज़्यादा, हैडफोन नाल भी तुसा सुन सकदे हो, हैडफोन तो बगैर भी ऑप्शन ते सारे आ गए ओपनली आवाज़ जी। अच्छा उन्दे विच वाले है कि वो जिहड़े जिहड़े चैनल हैं वो हर कोई 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 क्रिकेट का मैच है तो उन्दे बारे तफसील देंदा पे, कोई सिर्फ सोंग चलेंदा पे, कोई जिहड़ा है दुनिया दी न्यूज़ देंदा पे, तो यह जिहड़ा है बहुत ज़्यादा जिहड़ा है अहमियत रखेंदे। यही वजह तो जिहड़े सारे लिसनर्स नूं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जी। असं तुसा जेडे फेसबुक आए सारे बिरान मोहम्मद बेरान जखारी साहब आदमी रेडी डे मुबारकबाद जी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारकबाद तो भी मुबारकबाद, तुसा सारे सुनते पेवे अपना कीमती टाइम कटी पेवे सारी कि बहुत शुक्रिया जी। तुहारा जवेद मलिक साहब भी हैं अपने शो पसंद आता पे, बहुत शुक्रिया जी जवेद मलिक साहब। तुसा सागू सारे जेडे फीडबैक दी रखो सागू फेसबुक से एफ एम 9.4 जेड़ा है उतना ज्वाइन करो तो सागू फीडबैक दो ताकि अस गुफ्तगु नाल नाल असं माध भाई 11:30 तो बाद जो अपने कॉल का भी निज़ाम शुरू करे सो कॉल तुम सब कर सकते वे 0619220337 से सब कॉल भी कर सकते वे ते सारे जेड़े हैं नाल ही नाल अस तो दस बनू कि अज्ज जेड़ा सारा क्वेश्चन है सारा सवाल है वो सवाल है कि तुसा कदे न केड़े दिन तो रेडियो सुनते पेवे तुसा ते कितना एक लाइक करें दे वे रेडियो को तुहाड़े नज़रिए क्या फायदे जी। माध भाई दूजा जेड़ा है अज्ज दा जेड़ा अस क्योंकि सारा पूरा नशरियात जेड़ी अज्ज दी है वो वर्ल्ड रेडियो डे दे बारे विच है, क्योंकि 13 फरवरी को मनाया वेंदे माध भाई पूरी दुनिया विच वर्ल्ड रेडियो डे। जुल्कर नाम भाई पाकिस्तान का ना असी हमने दस रहे थे हिस्टोरिक बैकग्राउंड है जरा एफ एम नाल मुंसलिक है। देखो कि 1948 च पाकिस्तान ने सब तो पहला, क्योंकि जो तो पहली जी असी क्लिप्स लाया सी ब्रॉडकास्ट जो हुई सी ब्रिटिश राज दे अंडर सी। बिल्कुल ते उन्हां दा ही क्या कायम करता सी। बिल्कुल ठीक है, जो वह गए उन्होंने पार्टीशन की थी ते ओ मेरे ख्याल इंडिया से चला गया जी। पाकिस्तान का जरा उस तो बाद सब तो पहला अपना रेडियो स्टेशन सी ओ कराची च 1948 यानी कि 1948 च कायम किया सी। बिल्कुल ही मैं माते ही आज़ादी के टाइम जेड़ा है अपने जेडे रेडियो स्टेशन हैं ओ इंट त्रै हैं पाकिस्तान के ना त्रै हिस्से में जेडे रेडियो स्टेशन मैं कहना बोली जेड़ी है बंगाली हाँ जी पश्तो ते उर्दू जबान इन्हां नूं प्रमोट किया सी ते जेड़ा पहला कराची का रेडियो स्टेशन है उन्हें आलमोस्ट कवर किया सी पूरा एरिया जी। क्योंकि उस तो पहले जेड़ा सी मगरबी पाकिस्तान च सिर्फ 6% लोगों तक इहदी फैसिलिटी मौजूद सी ते मशरकी पाकिस्तान च सिर्फ 15% आलमोस्ट ना होने के बराबर। बिल्कुल उस तो बाद 1948 यानी कि 1948 च जदों आगाज किया गया तो मैं कहना कि काफ़ी लोगों ने इनू तफरी का जरिया बना लिया।
पश्तून ने ते बंगाली उर्दू स्पीकिंग सारिया नू एक किस्म का मैं कहना मुतहिद किया होया सी। बिल्कुल माद भाई इंदा जड़ा है इन्हें इवें मुतहिद किया होया ना कि जितने भी न्यूज़ हैं वो उम्र टाइम रेडियो दे जरिए ज़्यादा लोग रेडियो दे ज़्यादा क्योंकि उम्र एक सस्ता दौर रही वाले एक ऐसा मतलब ताज़े ताज़े लोग जड़े हैं आज़ादी पा के आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा उन टाइम हालात कोई मुनासिब भी कह इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते माद भाई तो जड़ा है वो वल एफ एम दे क्योंकि सारी पहली नशर भी जड़ी है वो एफ एम दे जरिए ही थी आज़ादी का जड़ा मैसेज कायदे आजम साहब ने भी जड़ा है आज़ादी का मैसेज रेडियो के जरिए दिता है जी माद 14 अगस्त 1949 जी 1949 जो ये रेजोल्यूशन पास हुई सी जी माद भाई तो बाद लोगों को पता चल गया सी कि पाकिस्तान तो आलमोस्ट आज़ाद हो गया तो 1949 तो आलमी कह लो कि आलमी ट्रांसमिशन का आगाज़ भी पाकिस्तान होया सी। बिल्कुल माद भी बिल्कुल ही में जी असं इतना है सॉन्ग ब्रेक उन तो बाद जो है दोबारा वेलकम करे सो अपने शो मौज मेला बे तुम सुनते रहो एफ एम 99.4 पंजाब रंग रंग जिंदगी दे सॉन्ग सुनो उन तो बाद असं तक दोबारा वेलकम करे सो जी रेडियो दे जगत त्यार दे मौके ते तुसी सुन रहे हो FM 99.4 दी एक खास नशरियात रेडियो अस्सलाम वालेकुम जी तो दोबारा वेलकम करेने अपने शो मौज मेला विच तुसा सुनदे पेवे FM 99.4 पंजाब रंग रंग जिंदगी दे बेदमाद रहमान तारिक ते सुकर नैन हैदर हमेशा तुहाडी खिदमत विच जिहड़ा है हाजिर नैन जिहड़ा है असा अपना शो मौज मेला बड़ा जबरदस्त किस्म दा चलेंदे पे हैं तुहाडा भी ढेर सारा फीडबैक जिहड़ा है आंदा पे अज क्योंकि असा अपनी जरा लाइन चेंज कीती है क्योंकि सारा वर्ल्ड रेडियो डे है और मनाउणा बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इंदे विच मना की असर तक उड़ा सकते हैं कि रेडियो दी क्या अहमियत है क्या अफादियत है माद भाई जी सरगना भाई लोगों नु ना इस चीज़ के बारे च इनफॉर्म करो बिल्कुल ही माद भाई पाकिस्तान च रेडियो दी अहमियत क्या पाकिस्तान दा तारीखी मंजर कितना मुंसलिक है रेडियो दे नाल असी हुन प्रीवियस जिथे सोंग दी ब्रेक तो पहले असी गल कर रहे सी एक छोटे जे क्लिप लाया सी ओदे च पाकिस्तान दे बारे च दस्या सी पाकिस्तान ते रेडियो दा एक रिश्ता जिहड़ा है ओदे बारे च आगाह कीता सी ते पाकिस्तान च पाकिस्तान दे जिहड़ा मगरबी हिस्सा सी ना असी दस्या सी 6% सिर्फ आवाम रेडियो नूं समाप्त कर सकदी सी ते ओदे तों बाद 15% मशरकी आवाम पाकिस्तान रेडियो नूं सुन सकती सी यानी कि कराची च जदों इहदा आगाज़ होया सी सिर्फ काफ़ी घट लोगों यदि फ्रीकुएंसी जानती सी क्योंकि AM मॉड्यूलेशन सी और तो बाद फ्रीकुएंसी मॉड्यूलेशन जो आई तो रेडियो मैं कहना तरक्की दी राह ते हले तक गामजन है ते 28% दी शरह नाल वधदा जा रहा जी माद भी बिल्कुल इन इंदे विच ढेर सारी टेक्नोलॉजी का जिहड़ा है फर्क है वक्त के नाल नाल जिहड़ा है हुकूमती इकदाम के जरिए भी ढेर सारा रेडियो को प्रमोट किया गया रेडियो विच ढेर सारे ऐसे मतलब निज़ाम आए कि जिन्होंने एक रेडियो की अहमियत को मजीद बधाए तो मजीद भी जरूरत है कि सारे जो यंग जनरेशन है जिम्मे हूँ असा भी माद भी यंग जनरेशन है अस यूनिवर्सिटी जो है स्टडी हाली करेंगे पे तो नाल ही नाल जो है उन्होंने को जिम्मे असा ही फील्ड आए तो एक ऐसा निज़ाम बनाया बनना चाहिए जिंद जितने भी सारे यंग जनरेशन है माद भाई वो भी इन सैड पर आवेन इन एक्टिविटी ढेर सारे क्योंकि हूँ सोशल मीडिया का दौर है हूँ जो है ज़्यादा अहमियत है कि जेड वाले स्टूडेंट या जेड़े यंग जनरेशन इन चीज़ चाहे सर हाथ मारने में तो वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी प्रमोट जी थी तुसी हुने गल कर रहे थी कि क्योंकि पहले बैकवर्ड जरा कट हुंदा सी यूज़ रेडियो दा बिल्कुल रेडियो से यूज़ कट नहीं सी उसले आवाम नू ना शऊर भी सी लेकिन ना फ्रीकुएंसी इशू सी क्योंकि उस जमाने के जो ट्रांसमीटर सी ना वो फ्रीकुएंसी कैच नहीं कर सकते सी आलमोस्ट बिल्कुल आलमोस्ट उन्होंने ना जो फ्रीकुएंसी रेंज है इन्नी लो सी कि जितने सिग्नल आते भी सी ना उत्थे सिर्फ बीप या कह लो कि आवाज़ ना होने बराबर सी 1949 यानी कि 1949 जुलाई का महीना जी रेडियो की तारीख च ट्रांसमीटर का इनकलाब लैके आया क्योंकि ट्रांसमीटर की इन्नी वाइड रेंज करती के कितने भी बह के तुसी ओदी फ्रीकुएंसी कैच कर सकते जे ते नाले पाकिस्तान च जदों रेडियो दा आगाज होया क्योंकि
पाकिस्तान ने 1950 च पहला 1949-50 च पाकिस्तान च कराची च ब्रॉडकास्टिंग जो स्टार्ट होई सी पाकिस्तान सर्विस आगाज भी कीता 2 अप्रैल 1973 च हां जी मैं ओही गल करन लगा सी भुट्टो साहब दे जमाने च जदों सब तो पहले हां जी आलमी कह लो के सर्विस स्टार्ट हुई सी ना पाकिस्तान दी तो उनु एनी मकबूलियत एनी पजीराई मिली सी ना बैनुल अक्वामी अवाम नाल क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है ते इस्लामी ममालिक दी कह लो के एक रिवायत है के एक दूसरे नु बाहम इत्तेफाक नाल भाईचारे नाल प्रमोट करना रेडियो ने अवाम को शोर दिते दे सारा इंदे च अच्छा एक ऐसे प्रोग्राम भी हैं सारे अपने एफएम 99.4 ते चलदे हैं कि उन्हें नाल अवाम दे जितने मसाइल हैं उन्हें भी डिस्कस कीता वेंदे सारे जितने बहुत सारे गेस्ट होने जेड़े हैं कारी होने उन्दे बेच जेड़े है जो कुरान दी वो भी एक शो चलता भी सारा उन्दे बेच अवाम दे मसाइल हैं उन्हें भी सारे डिस्कस कीता वेंदे ते रेडियो कई भी चीज़ जेड़ा है कम कहनी वो हर किस्म की मालूम जेड़ा है वो लोगों तक पुछेंदा पे हर किस्म का इल्म दीनी इल्म मजहबी मजहबी इल्म दुनियावी इल्म सैर तफरी के हिसाब न जिमें सारे एक शो मौज मेरा चलते पे असं सियात को प्रमोट करेंगे पे ऑन द वर्ल्ड असं सारी सियात को जेड़ा है नाल नाल चलेंगे पे जी असं दस वनू कि तुसा सारे फेसबुक से भी साकू तुसा लाइव सुन सकते वे सारे जितने भी लिसनर हैं वो सारे एफ एम 99.4 फेसबुक से सर्च करें और पेज आवे सी उतो असं लाइव सारा शो चलता पे उतना अपना फीडबैक दो पेज को शेयर करो नाल ही मात भी इन्होंने दस वनू कि यूट्यूब से भी साकू जेड़ा है तुसा एफ एम 99.4 सर्च करके सारे यूट्यूब पेज पर भी मान के तुसा साकू अपना फीडबैक दे सकते कॉमेंट्स नाल नाल आज दा जेड़ा क्वेश्चन है वो तुसा क्वेश्चन एक दफा दोबारा समाप्त करो क्योंकि हुण तकरीबन थोड़ी देर बाद असा अपना कॉल दा सिलसिला भी मात भाई शुरू करने इन्हां नाल तो वो कॉल दा सिलसिला यह है कि तुसा साकू जवाब दे सको कि तुसा केड़े दिन तू कदन तू रेडियो जेड़े सुनदे पवे ते किसे नंबर फरमाओ 0619220037 जी 0619220335 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 11:30 ਯਾਨੀ ਕਿ 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਸੋ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 1973 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਦਿਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਐਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੀ ਮਾਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਗੂ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਗੂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਲਮ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਕਫ ਕੀਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਆਬਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਆਬਦੀ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਸੁਬਹਾ ਅਤੇ ਵੇਨਿਆਂ ਫਜਰ ਤੋਂ ਵੇਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਨਸਲਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਾ ਸੁਬਹਾ ਫਜਰ ਕੇ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾ ਲੈ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਅਬਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ
ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल ही बिल्कुल, वो बड़ी बड़ी अच्छा ऐसे इनके बैन अवी लैवल से भी लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद करें उन्होंने एक अंदाज माध भाई क्या जबरदस्त किस्म का तारिक अजीज साहब का जी माध भाई इतना एक सोंग ब्रेक द टाइम है अस सोंग अपने लिसनर्स को सुने सो सोंग इंजॉय करो तो बाद दोबारा तक वेलकम करे सो अपने शो मौज मेला सुनते रहो FM 99.4 सर नाल जुड़े रहो पंजाब रंग रंग जिंदगी दे तहजीबो सकाफत की पहचान कदीम तहजीबो सकाफत की उमंग तो सब सुनते पे हो FM 99.4 पंजाब रंग रंग जमी जमी जी वेलकम बैक करते हैं थानू अपने प्रोग्राम च तुसी सुन रहे हो मौज मेला दी स्पेशल नशरियात वर्ल्ड रेडियो दे मुनासबत दे नाल विद आरजे माधव मन तारिक ते जुलकर नैन हैदर। अच्छा माध भाई इन सारे फेसबुक सब ज्वाइन किए फेसबुक पेज ते तनवीर हुसैन साहब इन तनवीर हुसैन साहब खेरोल पक्का वसीफ क्लब सलाम जी वालेकुम सलाम जी तनवीर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करन दा नाल ही आरिफ जान साहब इन आरिफ जान साहब जी बहुत शुक्रिया आरिफ जान साहब तुहारा भी बहुत शुक्रिया नाल ही नाल सारे जेडे नशरियात इन इसको शेयर करो सारे शो को शेयर करो अगर तुस पसंद करें दे पवे ते सारे जेड़ा हे इक फीडबैक दिती रखो सारे फेसबुक ते क्योंकि लाइव चलता पे असा तो को देते पे तो सा को देते पवे तारे फीडबैक के सारे जी मारे टॉपिक तो वापस आंगे जी उन्हें अली रजा आबजी साहब की गल की बिल्कुल बिल्कुल जैने रेडियो च बहुत लंबा अरसा बहुत मैं कहंदा टाइम टेकन जिन्हों कहंदे या लॉन्ग टाइम पीरियड दिता सर्व किया बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एक किताब है आलमी रेडियो दिन के हिसाब नाल उन्होंने ना लिखिया उस किताब च के ना जो मेरे बच्चे स्कूल जाते सी तो मैं उन्होंने छोड़ के काम से जो जाता सी अक्सर बच्चे ना अक्सर दिन बच्चों की फरमाइश होंगी कि होंगी सी कि ना तुम सानू स्कूल ना लैके जाओ तुम सानू रेडियो स्टेशन से लै जाओ तो कहते कि अक्सर उन्होंने ना बहाने मारने कि तबीयत खराब है असी नहीं जाना अज छुट्टी करा दो सानू ये मुख्तलिफ हीले करने कि ना सानू किसी तरह छुट्टी हो जाए तो अबू नाल असी चले जाइए रेडियो ते उत्थे ट्रांसमिशन देखिए लाइव क्योंकि बहुत बहुत नामवर शख्सियात उत्थे हुंदियां सी उन्हां दे नाल मिलन दा मौका क्यों ते मैं कहंदा पाकिस्तान दे काफ़ी मशहूर नामवर शायर भी उत्थे मौजूद हुंदे सी। बिल्कुल ही बिल्कुल माध भाई इहदा जिहड़ा है मैं तो पहले जिक्र कर गई कि असा अपने लिसनर्स को दस गए हैं कि तकरीबन हर पहलू जिंदगी का हर पहलू को कवर कर रहे रेडियो रेडियो सारे तकरीबन 100 तो ज़्यादा जड़े हैं पाकिस्तान है जिन रेडियो स्टेशन हैं तो उतना मुख्तलिफ कई जगह से समाजी मसाइल को डिस्कस किए वेंदे माध भाई कितनी तफरीहत तफरी जो खेल के निज़ाम उन्होंने को जड़ा है डिस्कस किए वेंदे कई कई जगह से जड़े हैं अपने अल्लाह तौर भला करे सोंग्स वगैरह इंजॉय किए वेंदे कितनी सियात को प्रमोट किए वेंदे मुख्तलिफ प्रोग्राम रख के तो तकरीबन कई भी शोबे रेडियो पाकिस्तान पिछे गए नहीं टैलीविजन के दौरे टैलीविजन के दौरे के उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई लेकिन उन तो इलावा भी उनकी अहमियत के बावजूद भी अपनी अहमियत कायम रखी खड़े क्योंकि बिल्कुल ये रेडियो जो शो है ना उन्होंने अपनी आप हैसियत है क्योंकि देखो कि मुख्तलिफ एक पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शायरा ने नसरीन अंजम भट्टी साहब जी बिल्कुल बिल्कुल इंतकाल होया अल्लाह ताला करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे आमीन उन्हां दा भी काफ़ी अरसा रेडियो सरबत और पंजाबी तो उर्दू की काफ़ी मशहूर शायरा रह चुकी ने तो उन्होंने काफ़ी शोज दिते ने पाकिस्तान रेडियो नू बिल्कुल जेड़ा जिन्होंने काफ़ी मकबूलियत हासिल की काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने सब तो ज़्यादा चलन वाला शो उन्हों का ही है पाकिस्तान। बिल्कुल माध भाई दूसरा जड़ा है इन्हें नाल ढेर सारे लोगों ने जड़ा इन दोते खिदमत सर अंजाम दीती हैं नाल नाल असा तुहारे भरा भी जड़े ये तो शुरू थी गए इस साइड से तो जड़े क्योंकि यह एक रिश्ता जड़ा उन्हें ना लोगों नाल गालबात करन दा वल अपनी माँ बोली जबान दे लोगों नाल गालबात करन दा माध भाई उहदे क्या ही लुत्फ आंदे क्या ही मज़ा आंदे दूजे गाल जिहड़ी वर्ल्ड डे वर्ल्ड रेडियो डे दे बारे भी थींदी पई है क्योंकि 13 फरवरी इंदा मुनाकिद है तो अज तकरीबन पूरे पाकिस्तान में माध भाई हाँ जी बल्कि पूरे पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में जिता जिता रेडियो स्टेशन हैं या जेड़े जेड़े लोग रेडियो नाल मुंसलिक हैं वो तकरीबन मन के रेडियो को अज जड़े सर्च करे सन
रेडियो के ढे सारे शो हैं जेडे आज सिर्फ रेडियो वर्ल्ड डे के बारे में हो सन जिमें कि अस भी जेड़े इमाद भाई जी एफ एम 99.4 दी पूरी टीम तो थानू बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं वर्ल्ड रेडियो दे दे हिसाब नाल तुसी साडे नाल जुड़े रहो इत्थे एक सोंग ब्रेक लवांगे जी रेडियो दे जगत त्यार दे मौके ते तुसी सुन रहे हो एफएम 99.4 दी एक खास नशरियात जी इत्थे प्रोग्राम दा टाइम इख्तिताम पसीर हो गया वा असी ज्यादा चाहवांगे अपने लिसनर्स नु ते व्यूअर्स तो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਇਖਤਤਾਮ ਪਸੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨ ਐਪ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀਸੋਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਐਫ ਐਮ 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੋਅ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵਿਦ ਮਾਦਰਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੈਦਰ